गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन क्लास 12th टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक कर्व्ड सर्फेस है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि हमारे पास जो कर्व्ड सर्फेस है, जैसा कि हमने मिरर या लेंस के अंदर किया था, ये मान सकते हैं कि हमारा पोल है, और यहाँ से जो लाइन पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये मान लिया ये सभी पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट अगर किसी डेंसर मीडियम से है, ठीक है, मान लिया ग्लास से बना हुआ है, तो ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान सकते हैं, इसका μ2 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। और अगर हमारे पास ये इस तरह से है, यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है, मान लिया ग्लास से बना हुआ है, और यहाँ पर एयर, तो यहाँ पर ये रेयर मीडियम, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है? ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज फॉर्म्ड व्हेन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर हम इस कर्वेचर को पूरा करें तो हमारा एक स्फीयर बना सकते हैं, ठीक है। अगर इस कर्वेचर को पूरा करें तो एक स्फीयर बना सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास विच इज ऑफ टू टाइप। तो फर्स्ट है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस क्या होगा? इट इज ए कॉन्वेक्स सरफेस इज टुवर्ड द रेयर मीडियम। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स क्या है? ये कॉन्वेक्स सरफेस, ये किसकी तरफ है? रेयर मीडियम की तरफ है। इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और दूसरा अगर हमारे पास क्या बोलें, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, तो हम कह सकते हैं इट इज़ द कॉनकेव सरफेस इज टुवर्ड द रेयर मीडियम। अगर ये कॉनकेव हो, वो किसकी तरफ हो? रेयर मीडियम की तरफ, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। इसके बाद है जो पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, अपर्चर है, प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ है, वो सेम चीज़ रहेंगी हमारी जैसा कि हमने मिरर के अंदर स्टडी किया था, लेंसेज के अंदर स्टडी किया था, वो बिल्कुल सेम हम उसी तरह से टर्म को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और साइन अजम्पशंस है वो भी हमारी सेम रहेगी कि हमने जो भी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट जो भी रखेंगे वो हमेशा लेफ्ट में रखना है, जो भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर करनी है, लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव होंगी, राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होंगी, ऊपर की तरफ जो भी हाइट लेंगे वो पॉजिटिव होंगी, नीचे की तरफ लेंगे तो नेगेटिव होंगी। बिल्कुल सेम साइन कन्वेंशन हमने यूज़ करनी है जैसा कि हमने मिरर्स और लेंसेज के अंदर किया था, ओके। अब जो हमारा इसी के ऊपर जो बेस्ड है टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये हमने एक कॉन्वेक्स सरफेस कंसीडर कर लिया, और यहाँ पर अगर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर हम देखें, लेंस मेकर फॉर्मूला है, उसको ड्राइव करने से पहले भी हमें ये आना चाहिए, और जब भी हम बात करते हैं जब इसके डेरिवेशन की, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये हमने एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस कंसीडर कर लिया। यहाँ पर ये क्या है? रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये क्या है? हमारा डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। यहाँ पर हमने मिड में पोल P कंसीडर कर लिया, और यहाँ से जो लाइन पास होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मान लेते इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने O पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास जो C है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ से एक मैं नॉर्मल ड्रा करता हूँ इस सरफेस के ऊपर, तो ये नॉर्मल हो गया, और ऑब्जेक्ट से जो भी रेज जाएंगी वो क्या करेगी? एक इंसिडेंट रे होगी, तो वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये रेज जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन वो क्या करेगी? इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और वहाँ पर एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बना देगी, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, जहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे कट करेगी वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है,
ये इमेज है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है, और जो नॉर्मल हमने ड्रा किया है वो गामा एंगल बनाता है, ठीक है। तो आपको पता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस है, दैट इज आर से नोट करते हैं, ठीक है। और जो इमेज डिस्टेंस है पी से आई तक, उसको हम वी से नोट करते हैं, और जो ओ से पी तक की डिस्टेंस है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से नोट करते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने अगर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ए एम किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर फिर देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, आई किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास एक ट्रायंगल है तो आउटर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यानी अल्फा प्लस गामा के इक्वल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा, अगर हम ट्रायंगल कौन सी मान लें, ए ओ सी के अंदर। तो यहाँ पर जो आई है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस में गामा, ठीक है, अल्फा प्लस गामा। इसी तरह से हम आर की वैल्यू देखें, अगर आर हम एंगल देखें तो वहाँ पर कौन सी ट्रायंगल मानोगे, सी आई ए, सी आई ए के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल है वो गामा है और इंटीरियर एंगल आर और बीटा है। अगर हम आर की वैल्यू देखें किसके इक्वल होगा, गामा माइनस बीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें इफ़ द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो हम मान सकते हैं कि जो एंगल अल्फा है उसको टेंजेंट अल्फा कंसीडर किया जा सकता है, जो एंगल बीटा है उसको टेंजेंट बीटा कंसीडर किया जा सकता है, एंगल गामा है उसको टेंजेंट गामा कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम देखें टेंजेंट किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम इन ट्रायंगल्स में देखें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, जैसे हम अल्फा देखें तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दैट इज ए एम, और यहाँ पर बेस क्या है, ओ एम, ठीक है। अगर हम मान लें पी एंड एम आर वेरी क्लोज टू इच अदर, तो हम ओ एम की जगह ओ पी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बीटा के अंदर जो ट्रायंगल है वहाँ पर उसके सामने एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जिसके साथ एंगल वो बेस, और थर्ड साइड हाइपोटेनस, तो यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से हम गामा की वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता चल जाएंगी। अगर हम अल्फा बीटा और गामा इन तीनों में से अगर हम इक्वेशन वन को कंसीडर करें, तो इक्वेशन वन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस गामा, और हमें अल्फा की वैल्यू भी पता है ए एम बाई ओ पी, और गामा की वैल्यू भी पता है दैट इज़ ए एम बाई पी सी, तो हम इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह से इक्वेशन टू है, उसके अंदर हम आर की वैल्यू अगर देखें तो अल्फा यहाँ पर गामा और बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर एंगल्स आर स्मॉल तो हम साइन आई को आई मान सकते हैं, साइन आर को आर मान सकते हैं, इसके इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो यहाँ पर ये मीडियम फर्स्ट है और यहाँ पर मीडियम सेकंड है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर आई और म्यू वन की मल्टीप्लाई म्यू वन आई हो जाएगा, ऐसे ही म्यू टू आर हो जाएगा। अब हम देखेंगे म्यू वन, आई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, आई की वैल्यू ये है हमारे पास, तो ये वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू यहाँ पर म्यू टू, और आर की वैल्यू हम ये इक्वेशन से पुट कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर ए एम दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी ए एम दोनों में कॉमन है, तो ए एम से ए एम दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। उसके बाद हम म्यू वन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर म्यू टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू। इसके बाद है जो हमारे पास म्यू वन और म्यू टू हमने आपस में रीअरेंज किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद अगर हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करें तो ओ से जो पी तक की डिस्टेंस है, ओ से पी तक वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लेफ्ट में है तो माइनस यू से रखेंगे, और P से I तक की जो डिस्टेंस है दैट इज इमेज डिस्टेंस, उसको V से, क्योंकि राइट में वो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और P से C तक की वैल्यू है उसको हम R से नोट करेंगे। अगर ये सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। उसके बाद जो R वाली टर्म है वो एक तरफ और बाकी को दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी जब भी कोई रे ऑफ लाइट
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी एक कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर, तो हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस के अंदर तो वो वैल्यू होगी हमारे पास म्यू टू बाई में वी माइनस में म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, अगर हम इसमें इंटरचेंज कर दें, ऑब्जेक्ट को डेंसर में रख दें और इमेज कहाँ पर बने, रेयर में, तो ये हमारी जो सबस्क्रिप्ट है इनको चेंज कर देंगे, जहाँ पर भी म्यू टू है वहाँ पर म्यू वन आ जाएगा और जहाँ पर भी म्यू वन है वहाँ पर म्यू टू आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली एंड यू हैव टू राइट डाउन इट इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।